नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको बताऊंगा ऐसे सरल सरल उपाय जिनको आप अपने घर में बैठकर कर अपने लव मैरिज और प्रेम विवाह में आ रही रुकावटों को सरलता से दूर कर सकते हो। आज के हमारे ये उपाय उन सभी के लिए बहुत ही खास सिद्ध होंगे जो किसी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जब वह अपने प्रेमिका या प्रेमी से विवाह की बात करते हैं तो वह अनसुनी कर देते हैं या मुकर जाते हैं या बात करनी बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय अवश्य ही करके देखना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में आ रही रुकावट अवश्य ही दूर होगी। कैसे करना है ये उपाय? आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव का शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करना है। ये कार्य आपको जब तक करना होगा जब तक आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। अवश्य ही इस कार्य से आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और यदि आप समर्थवान हैं, आप अपने प्रेमिका को या प्रेमी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, तो आप उन्हें फिरोजा रतन गिफ्ट करें। ये शुक्र का रतन है और इससे प्रेम संबंध मधुर होते हैं। आप हीरा भी गिफ्ट कर सकते हैं यदि आप में समर्थ हो। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि काला हीरा, नीले रंग का कोई भी वस्त्र या उपहार आपको नहीं देना चाहिए। इससे प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त जब भी आप अपने किसी निकटतम धार्मिक स्थल पर जाएं, तो सफेद वस्त्र पहनकर ही जाएं। वहां पर अपने इष्ट को गुलाब या चमेली का इत्र अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपका प्रेमी या प्रेमिका शादी के लिए जल्दी ही मान जाएगा और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर आप वास्तव में उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप कभी काले रंग की चीज उन्हें भेंट ना करें। ऐसा करने से रिश्तों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और तनाव बढ़ते हैं। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित वाले गौरी शंकर रुद्राक्ष को सोमवार शुक्ल पक्ष में धारण करते हैं, तो प्रेम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में एक और चमत्कारी उपाय बताया गया है, जिसके द्वारा भगवती सीता ने, रुक्मिणी जी ने और अन्य कई राजकन्याओं ने अपने मनवांछित वर को प्राप्त करने के लिए ये पूजन किया था। वो पूजन है मंगला गौरी का। और यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहे, तो वह भी कात्यायनी देवी की पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोवांछित जीवन साथी को प्राप्त कर सकता है। यदि आपके आसपास भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण अकेले निवास करते हों, तो उस मंदिर में जाकर भगवान को बांसुरी और मीठा पान अर्पित करें। ऐसा करने से भी प्रेम संबंध मधुर होते हैं और आपका मनोरथ अतिशीघ्र सिद्ध होता है। आपको अपने जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में 16 सोमवार का व्रत भी मनवांछित वर या वधु को प्राप्त करने के लिए बताया गया है। ये एक सिद्ध प्रयोग है। आज तक जिसने भी इस प्रयोग को किया, उसे मनवांछित वर व वधु की प्राप्ति अवश्य ही हुई है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह अगर मंगलिक भी है, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगलिक कोई पहाड़ नहीं जिसे हटाया नहीं जा सकता। मंगल के विधिवत पूजन कर उनका अनुष्ठान करवाकर मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ये मंत्र लक्ष्मी नारायण का मंत्र है। इसका हर रोज 108 बार वैजयंती की माला से जाप करने से मनवांछित वर वधु की प्राप्ति होती है और प्रत्येक शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के सामने दूध की बनी हुई
बर्फी बिना बर्फ वाली चढ़ाने से और गुलाब के फूल व इत्र अर्पित करने से मनवांछित वर वधु की प्राप्ति होती है और वह जीवन सुखी होता है। ओम जलोम रोहम क्रोम उत्तर नाथ भैरव स्वाहा। अगर आपके विवाह में कोई त्रुटि आ रही है, कोई बाधा बार बार उत्पन्न हो रही है, तो आप भैरव जी के इस मंत्र का 108 बार हर रोज जाप करें और प्रत्येक रविवार को कुत्ते को लड्डू डालें और दही भल्ले का दान कुत्ते को करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये ऐसे सरल सरल से उपाय हैं जिनको आप स्वयं कर सकते हो। इन उपायों को कर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के मन में आ रहे बदलाव को दूर कर सकते हो, उनको शादी के लिए मना सकते हो। और इन उपायों को करने से आपके परिवार में जो मतभेद है, आपके परिवार वाले यदि शादी के लिए नहीं मान रहे, तो वह भी इन उपायों को करने से शादी के लिए मान जाते हैं और शादी में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें इन सरल सरल उपायों से निश्चय ही समाप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध प्रयोग हैं, इनको करने वाला कभी भी निराश नहीं हुआ। तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जिस भी सोशल नेटवर्क पर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर इसे अधिक शेयर करें और हमें फॉलो करना भी ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना तथा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। यदि आप हमें सहयोग करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।